नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। अब एक्चुअल में हम वीडियो बनाने वाले थे इसलिए कि MPPSC प्री यूनिट सेकेंड को हम किन बुक्स से कवर करें, बकायदा हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन बीच में आ गई है मेरी प्यारी नन्ही सी बिटिया। आपका नाम क्या बेटा? पूरा नाम बताओ। स्कूल में क्या है? परीक्षिता। स्कूल में क्या है? परीक्षिता बोलो। अरे कोई नहीं देखा। तो परीक्षिता नाम है इनका और बिल्कुल इन्हीं के नाम पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रखा हुआ है। तो आज हमें परीक्षिता एक ड्राइंग बनाकर दिखाएगी। परीक्षिता क्या बनाना पसंद करोगे? ओके, बनाओ। तो चलिए हमारी बिटिया हाउस बना रही है। जब तक हम आपको बताना चाहेंगे कि MPPSC प्री सिलेबस कहाँ गया, दूर रखा हुआ। MPPSC प्री यूनिट सेकेंड में हमें हिस्ट्री के बारे में दे रखा है, जिसमें हमें हिस्ट्री जो होती है बेसिकली तीन पार्ट्स में होती है, एनिशिएंट, मिराइवल एंड मॉडर्न। तो एनिशिएंट के लिए जो है हम आर्य शर्मा की बुक को प्रेफर करते हैं, आर्य शर्मा। मिडाइवल के लिए हम पढ़ते हैं सतीश चंद्रा की बुक, और स्पेक्ट्रम के लिए जो है हम पढ़ते हैं, सॉरी मॉडर्न के लिए जो है हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की बुक। स्पेक्ट्रम की बुक अपने आप में बहुत बेस्ट और इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, और इसका जो कवर है किस तरह का होगा और डिपेंड करता है एडिशन के ऊपर। अब इसका जो नेक्स्ट एडिशन आ रहा है वो इससे डिफरेंट है, तो एडिशन से जो है बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इन तीनों बुकों के अलावा हमें नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ना चाहिए। नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही कलरफुल तरीके से दे रखा है, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बीच बीच में, जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में आता है पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड का, लाइक गुप्त काल में क्या था, मौर्य काल में क्या था, तो हम इस बुक को रिफर कर सकते हैं और वहाँ से बहुत से अच्छे पॉइंट्स को ऐड करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। देन अगर आप इन बुक के अलावा जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी प्रिफर कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोचिंग जा पाए, तो मार्केट में इनकी फोटोकॉपी की शॉपिंग भी जो है मिल जाती है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। तो जब तक हमारी परीक्षिता बहुत सुंदर सा हाउस बना रही है, एक्चुअल में इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरी नहीं थी इस एज में इसलिए मुझे इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। चलो रेड पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, ये रेड कलर का चलता है, ठीक है? क्या बोलो? ओके, तो परीक्षिता हमको बोल रही है कि वो आप अपने हिसाब से बात करो जब तक वो ड्राइंग बना रही है, तो फिर हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम यही कह रहे थे कि अगर आप के पास अब इन बुक्स के अलावा भी कुछ सोचना चाहें या करना चाहें, तो मार्केट में इसके भी अल्टरनेटिव आते हैं, लाइक दृष्टि IAS या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने जो है बुक्स पब्लिश करती है, आपको ऐसा लगता है तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से दिए होते हैं। अगर आप इन बुक्स को आपने देखा होगा आर्य शर्मा और मिडाइवल की, तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़े से और फैक्ट चाहिए जो हम ऐड कर सकें। देन इसके अलावा भी हमें NCERT बुक को देखना चाहिए। NCERT जो होता है बेस होता है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है, तो आप वहाँ पर वो चीज़ें देख सकते हैं। और बुक्स से पढ़ना ही ऐसा मैं मानती हूँ सफिशिएंट नहीं होता है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाना पड़ता है। और अगर हम सजेशन देंगे तो यही सजेशन देंगे कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना भी है तो आप मेंस के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है? मेंस में किस प्रकार से दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि प्री अगर निकल भी जाता है जैसे तैसे तो मेंस में हम फंस जाते हैं, तो बेहतर है हम सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करें। चलो भैया, हमारी बच्ची जब तक बना रही है, तो ये जो है मेरा स्टडी रूम है, यहाँ पर मैं पढ़ाई भी करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, और बीच बीच में हमको ये डिस्टर्ब भी करती है।
पर ऐसे ही रहने दो, पूरा फिल मत करो, फिर उसका इंक खत्म होगा, ठीक है? ऐसे ही बना दो, मेन मेन डिजाइन बना दो। ये क्या बना रहे हो परी? हाउस। और ये क्या बनाया? खिड़की। विंडो। ओके। झंडा बनाना बाकी रह गया। झंडा। ओके, झंडा बनाना बाकी रह गया था। अच्छा ठीक है, बनाओ। हमें पता है कि हमारे घर के ऊपर एक झंडा भी होना चाहिए। और फिश बनाओ ना बेटा, वो जो स्कूल में, इसको मिटाना नहीं, जो स्कूल में फिश बनाई थी ना, वो फिश भी बनाओ ना, है ना? हमारी बिटिया रानी ने जो है हाउस बना दिया है, देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने ही बनाया है। तो ये हाउस है, और ये बता सकते हो परी ये क्या है? झंडा और विंडो। ओके, झंडा और विंडो है, घर में होना जरूरी है ना, वेंटिलेशन के लिए, है ना? अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, बोलना है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो अब वीडियो देखते कैसा बना, ठीक है? चलो बुआ, लेकिन एक चीज बाकी रह गई। क्या बाकी रह गई? अब को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।